और भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द हो गया है, बार बार बारिश। और जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी शुरू की तो बारिश शुरू हो गई। फिर से निरीक्षण किया गया 9 बजे 3 अंपायर्स ने मैदान का, लेकिन जब मैच रद्द इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैदान खेलने योग्य नहीं था, गीला ज्यादा हो गया था, पिच पर पानी आ गया था, तो एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का ये मैच रद्द कर दिया गया है। बहुप्रतीक्षित ये मैच था, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और श्रीलंका के पल्ले कल्ले में ये मैच चल रहा था, पहले ओवर्स में कटौती की बात चल रही थी, लेकिन अंततः ये मैच रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही बल्लेबाजी शुरू की उसके बाद बारिश आ गई और ये मैच रद्द कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और भारत के एशिया कप में दो और मैच होने हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण ये मैच रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका के कैंडी में ये पल्ले कल्ले स्टेडियम में मैच चल रहा था जिसे रद्द कर दिया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है, वो मैच जिसका हमारे देश में बेसब्री से इंतजार हो रहा था और भारत की पारी को सभी क्रिकेट प्रेमियों ने देखा, लेकिन जब बारी आई भारत के गेंदबाजों को देखने की तो ये मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है और अब ये मैच नहीं होगा। अंपायर्स ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद ये पाया कि जो मैदान है वो गीला है, पिच पर पानी आ गया है और ऐसे मैदान और ऐसी पिच पर नहीं खेला जा सकता ये मैच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पल्ले कल्ले स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भारतीय टीम को शुरुआत में परेशान किया था, लेकिन भारतीय टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अब ये मैच तो रद्द हो गया तो पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल सही, जिस तरीके से ये मैच बारिश की वजह से बाधित रहा था, हमने देखा था कि शुरुआत में भी बारिश के थ्रेट से लेकिन हल्की बूंदाबांदी के बीच में ये मैच चल रहा था और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन जरूर यहां पर बनाए थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने भारतीय टीम को परेशान किया था, लेकिन सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत ही नहीं हो पाई और हमने देखा कि लगातार जो है बारिश की वजह से कवर जो है ऑन एंड ऑफ लगातार अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन चल रहे थे अंपायर्स के। लेकिन अब जो अपडेट श्रीलंका से हमें मिल रही है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो मुकाबला था एशियन गेम एशिया कप का, उसको जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि जो समय सीमा जो निर्धारित की जाती है उससे उसके आसपास हम नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी वजह रही कि मैच जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया। ऐसे में होता क्या है कि जो नियम है उसके मुताबिक जो पॉइंट्स है वो शेयर किए जाते हैं। बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, बड़ी बड़ी निराशा हुई, बहुत बेसब्री से मैच का इंतजार था, बारिश रुक जाए, मैच शुरू हो जाए, ये इंतजार करते रह गए क्रिकेट प्रेमी। मेरा ये मानना है सईद भाई कि भारत बाल बाल बचा, क्योंकि जिस तरह भारत की इनिंग थी 266 रन, हाँ उस वक्त लग रहा था कि 66 से चार आउट गिरने के बाद आप कहते 266, चलो हम लड़ेंगे, चलो हम कोशिश करेंगे, हो भी सकता था इंडिया जीत जाता। पर जब बरसात होनी शुरू हुई कि 10 ओवर कम हो जाएंगे, 15 ओवर कम हो जाएंगे, और जो 20 ओवर में 155 रन का टारगेट, अगर 20 ओवर का मैच होता, 10-27 लास्ट टाइम था, तो शायद एडवांटेज पाकिस्तान को था। ठीक है, पाकिस्तान को हम विक्रांत आपको रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है, लेकिन आपने शुरुआत की, बाल बाल बच गए, मैच इंटरेस्टिंग होता, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ये मैच रद्द कर दिया गया। 267 रन बनाने थे पाकिस्तान को।